नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स एंड BBC 24x7 में। हम खड़े हैं अग्रसेन भवन में। यहाँ पे थान मथुरी माता का जागरण आज चल रहा और बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही अनोखा ये उत्सव हुआ। इसके बारे में आइए मैं यहाँ के तमाम पदाधिकारी जो हैं उनके साथ मैं आपको रूबरू करवाता हूँ और वो आपको इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये थान मथुरी माता जी का जागरण का उन्हें प्रेरणा कैसे मिला, कहाँ से आरंभ हुआ, कैसे हुआ। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ थान मथुरी माता जी के जो इस जगराता को किए हैं, जो राम कुड़िया परिवार, तो उस परिवार के तमाम लोग हमारे बीच हैं। तो आइए मिलते हैं उनके साथ। ये थान मथुरी माता जी का जागरण आप कितने वर्षों से करवा रहे हैं और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? थान मथुरी माता का जागरण अपना 17वां प्रोग्राम है इस बार। इससे पहले हम लोगों ने प्रथम बार घर में किया था जी। उसके बाद हमने लगा कि घर में प्रोग्राम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परिवार को एकत्रित और नए बच्चे को थान मथुरी माता से कुल देवी की जानकारी हो, इसके लिए हम लोगों ने 17 साल पहले चालू किया। इस बार 17वां साल है जो कंटिन्यू प्रोग्राम हो रहा है, लगातार 17 साल। 17 साल और रामपुरिया परिवार की तरफ से करवाते हैं। थान मथुरी हो गया सादलपुर के बगल में, 6 किलोमीटर पड़ता है। चुरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में ये विराजमान है कुल देवी। वहाँ पर अपने साल में 2 बार चैत्र में और आसोज में बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर हम लोग 17 साल से कंटिन्यू पूरा परिवार के साथ एकत्रित होकर पूरा परिवार मिलकर खूब भव्य व्यव से जागरण करते हैं। ऐसे समय में आप ये तमाम सिलीगुड़ी शहर वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देशवासियों को यह संदेश है कि अपने जो भी कुल देव है, चाहे देवी हो चाहे बालाजी हो, उनका फर्स्ट ध्यान करें, उसके बाद कोई भी स्थान में दर्शन करें, कोई बात नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। स्वागत है आपका द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया, ग्लोबली न्यूज और BBC 24x7 में। मैंने किया इस जागरण में, आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा अनुभूति रहा, आप अपने बीच अनुभव को थोड़ा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों। जय थान मथुरी माता की। हम लोग रामपुरिया परिवार सिलीगुड़ी के अंदर प्रोग्राम विगत 17 वर्षों से हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान हमारा सुरेश भाई का है, इनका पूरा परिवार ही माता के जागरण के लिए जड़ित रहता है। ये प्रोग्राम हम लोग रामनवमी के दिन करते हैं, लेकिन व्यवस्था के कारण बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं व्यापारी, इसलिए रामनवमी के बाद जो पहला रविवार पड़ता है उसके अंदर ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जिससे हमारे रामपुरिया परिवार के सराउंडिंग एरिया में जो भी व्यापारी रहते हैं, जो भी रामपुरिया परिवार के रहते हैं, प्लस थानमुरी माता को मानने का जो भी परिवार रहता है, वो आए, हम लोगों का आपस में मिलन हो जाए। एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है हम सबको परिवार को जोड़ने का, रामपुरिया परिवार को जोड़ने का, प्लस सिलीगुड़ी के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं सब आते हैं। हम लोगों का सब खुला निमंत्रण होता है कि आइए माता के कीर्तन में, माता का जागरण कीजिए, माता का भजन गाइए, आप लोग ये माता के आशीर्वाद पाइए। माता हमारी साक्षात है, इनका पर्चा साक्षात रहता है। हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि माता सब पर कृपा बनाए। मैंने एक चीज़ देखा, रामपुरिया परिवार के अलावा भी दूसरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हुए थे, हो सकता है। हाँ, नहीं, हम लोग देवी दुर्गा माता को हर तरफ से चाहते हैं, कोई जीन माता मानता है, कोई पहाड़ी माता मानता है, कोई देवी, सब देवियां तो एक है जी, जी। लेकिन सबका अपना अपना, बुजुर्गों ने एक एक स्थान चोज कर लिया था, वहाँ पर धोख मारते हैं, जात जरूला होता है। हम सब कुल देवी जो भी मानते हैं नहीं मानते हैं, सबको विनम्र आमंत्रित करते हैं कि वो आए, माता का आशीर्वाद ले, भंडारा में प्रसाद लेकर पुण्य का भागी बने। बहुत बहुत उपवास थे, ऐसे अवस्था में भी आप आके हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी से। मैं भी विनती करूँगा कि रामपुरिया परिवार और तमाम शहर वासियों को माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए और सबको खुश रखे। एक बार जयकारा हो जाए, थान मथुरी माता की जय, थान मथुरी माता की जय, पल्लू वाली माता की जय, माँ शेरा वाली की जय, माँ जगदम्बा की जय, देवादी देव महादेव बाबा भोलेनाथ की जय, संकट मोचन वीर हनुमान जी की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चाचा क्या बात है,